15,146, जी हाँ, इतनी डेथ हुई थी इंडिया में लास्ट ईयर रोड एक्सीडेंट से। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया में हर 4 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, और हाल ही में साइरस मिस्त्री जो कि टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, जिसके बाद नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक नए रूल लेके आई है आज, जिसके बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उन्हें रियर सील बेल्ट लगाना और उसकी बीपिंग डिवाइस को लगाना मैंडेटरी कर दिया जाएगा, और इसके लिए 5 अक्टूबर तक पब्लिक के कॉमेंट्स भी मांगे गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी रियर सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना है, जिसको शायद बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। बट इसके साथ एक और भी मुद्दा सामने उठता है कि क्या सिर्फ ये पेनल्टी लगा देने से रोड एक्सीडेंट रुक सकते हैं? वेल, आपको जो लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे लगता है साथ साथ सरकार को जो क्लियर डिवाइडर्स हैं और मार्किंग्स है उसको भी स्पेसिफाई करना रोड में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार वो नहीं दिखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।